तो कोई मतलब नहीं है ना तो लाइफ में वैसे तो बैलेंस होना चाहिए हैप्पीनेस हैप्पीनेस एंड सैडनेस का बट ट्राई करिए कि आपका अपना चैनल है जहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और यहाँ पे हम आपकी मदद करते हैं पढ़ने में समझने में और उस पढ़ी लिखी चीजों को एग्जीक्यूट करने में तो बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि हम आपस में बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं तो आप सोच रहे होंगे कि है कौन है ना तो मैं हूं प्रियंका आपकी न्यू बायोलॉजी की एजुकेटर जो आपकी मदद करेगी बायो के सारे कंसेप्ट में पढ़ने में समझने में और एग्जीक्यूट करने में राइट तो जब बात आ रही है पढ़ने की तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो आज बेसिकली हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो चैप्टर है बेटा Life processes. So, life processes, जो है ये आपकी बुक का छठा चैप्टर है और इसमें काफी सारी चीजें हैं, तो हम वो सारी चीजें देखेंगे, उससे पहले इस टॉपिक को ही देखते हैं जब हम इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है लाइफ एंड प्रोसेसेस सो थोड़ा बहुत अपनी इंग्लिश की नॉलेज को यूज करते हुए इस चीज से इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं तो अगर लाइफ प्रोसेसेस से समझना चाहे कि ये क्या है मतलब कि ये वो प्रोसेसेस हैं जो शायद से लाइफ को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है है ना तो अगर आपके मन में यही थॉट आया है तो बेटा जी आपने पहली सीढ़ी जो है वो पार कर ली है बिल्कुल ये वही प्रोसेसेस हैं जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है पर जब हम बात करते हैं लाइफ की तो हम कब कहते हैं कि हाँ जी ये जो चीज है ये लिविंग है ये जो चीज है, है वो नॉन लिविंग है राइट तो डरो मत याद है तो भी बढ़िया नहीं है तो भी बढ़िया क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें एकदम से बेसिक से स्टार्ट करना है ठीक है तो डोंट वरी एट ऑल कि मैम मुझे तो ये चीज़ें नहीं आती वो आती हैं नहीं आती फॉरगेट अबाउट इट यहाँ पे हम सब कुछ साथ में पढ़ने वाले हैं और एक एक करके जो सीढ़ियां हैं वो चढ़ते जाएंगे ठीक है जी तो कोई भी फ़ियर नहीं है वेन योर मैम इज योर वी विल बी ट्राइंग कि आपको सारी चीजें अच्छे से प्यार से और मजे मजे में समझ आ जाए ठीक है तो जल्दी से देखते हैं कि हम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स को नोट डाउन करते हैं जब हम किसी लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं तो ऑल दो लिस्ट बहुत लंबी है मेरी लिस्ट में बस इतनी चीजें आई हैं तो हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिखे हुए हैं जिसमें से सबसे पहला जो है वो ये हमें कह रहा है कि लिविंग थिंग्स अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं मतलब कि जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ यहाँ से यहाँ आ गई हैंड रेस कर लिया हैंड डाउन कर लिया तो ये जो मैंने मूवमेंट्स करी अपनी मर्जी से करी राइट right? ऑब्वियसली कोई नॉन लिविंग थिंग है जैसे मैंने इसको यहाँ रख दिया तो ये चाहेगा तो भी यहाँ से मूव नहीं कर सकता है ना ये तो यहाँ से उठ के कहीं नहीं चला जाएगा ना तो ये तो अपनी मर्जी से मूव कर ही नहीं रहा लेकिन जब हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो मूवमेंट में हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाने की बात नहीं आती है ना मूवमेंट में जब पोजीशन चेंज होती है ठीक है हम कह रहे हैं व्हेन देयर इज देयर इज अ चेंज इन पोजीशन तो ये वाली जो मूवमेंट होती है बेटा इट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन ठीक है तो लोकोमोशन मूवमेंट का ही एक टाइप है जिसमें पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है लेकिन अगर मैं यहाँ खड़े खड़े हाथ हिला रही हूँ ठीक है चलो मैं तो लिविंग हूं मैं तो हिला ही सकती हूँ यही तो पहला पॉइंट कह रहा है मान लो कि एक तार पे कपड़े सूख रहे हैं और हवा चल रही है तो हवा के चलने पे क्या वो कपड़े तार पे हिलते नहीं है वो कपड़े मूव नहीं कर रहे कर रहे हैं ना तो हम कैसे कह दें कि जो मूवमेंट हम आंखों से देख रहे हैं वो वही मूवमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं जो तार पे सूखता हुआ कपड़ा है वो नॉन लिविंग है वो भी तो मूव कर रहा है तो हमने कहा कि जी नहीं ये जो आंखों देखी वाली मूवमेंट है ये ऐसी नहीं है जिसपे हम एकदम रिलाई कर सकते हैं कि ये लिविंग थिंग्स है तो हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे कह रहे हैं कि लिविंग थिंग्स जो इनको फूड एयर एंड चाहिए भाई बात तो सही है रोटी कपड़ा मकान ये तीन चीजें ऐसी है जो सबको चाहिए तो जब हम लिविंग बिंग्स की बात करते हैं तो बेसिकली हमें खाना चाहिए हमें पानी चाहिए और हवा चाहिए इन तीनों चीजों के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते लेकिन कुछ नॉन लिविंग चीजों के बारे में सोचो जो पहाड़ है या फिर जो आपके आसपास की मिट्टी है है ना तो उन चीजों के लिए भी तो इन चीजों का होना इम्पोर्टेंट है है ना उनको भी एयर चाहिए उनको भी वाटर चाहिए तभी तो वो भी अपने जो भी उनकी वेदरिंग ऑफ रॉक्स है ये सारी चीजें इन्हीं चीजों की तो होती है तो ये चीज भी हम बहुत हद तक हंड्रेड परसेंट नहीं कह सकते कि यार ये एकदम सही चीज है तब आते हैं भाई मस्त ऑप्शन ग्रो लिविंग थिंग्स जो है वो तो ग्रो करती है मैम मुझे पता है मैं इतना सा पैदा हुआ था आज इतना बड़ा हूं तो ऑब्वियसली मैंने ग्रो किया प्लांट्स जब हम देखते हैं वो छोटे से होते हैं एक टाइम बाद वो बहुत बड़े हो जाते हैं है ना और वहीं पे अगर मैं ये देखूं कि मैम लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो नहीं कर रहे और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हैं ना जैसे कि आम, जब मैंने घर बनाया मैं डाइनिंग टेबल लेके आया तब मेरे घर में चार लोग थे तो मैं चार चेयर्स लेके आया ये सोच के कि चलो चार साल बाद जब घर में में नए लोग आएंगे तो ये ये जो है ये और ग्रो कर जाएंगे नंबर में। ऐसा होता है ऐसा नहीं होता राइट वो चार कुर्सी जो आप लाए थे वो चार की चार ही रहेंगी चार साल बाद भी वो तो ग्रो नहीं कर रहे तो मैम ये तो एकदम पक्का वाला पॉइंट है रुको नहीं है बता हूँ क्यों ठीक है अब अगर आप कभी गए हो डेजर्ट में राइट नहीं भी गए हो तो सुना होगा दैट डेजर्ट में हमें देखने को मिलते हैं सैंड ड्यून्स अब सैंड ड्यूंस क्या होते हैं सैंड ड्यून्स क्या होते हैं है? ये होते हैं रेत के टिले रेत के टिले अब ये जो टिले हैं इसमें अगर आप देखें तो ये कुछ आपको ऐसे से दिखेंगे कि जहां जैसे जिस हवा चल रही है तो रेत के टीले बनते जाते हैं अब इन टिलो पे मान लो कि हवा आई फिर से तो हवा आएगी तो बेटा रेत उड़ा के लाएगी और जब वो रेत उड़ा के लाएगी तो यहाँ पे और रेत जमा होगी और जैसे जैसे रेत जमा हो रही है क्या इसका साइज नहीं बढ़ रहा और साइज बढ़ने को ही शायद से हम ग्रोथ कहते हैं तो एक टाइम तो एक तरीके से तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी ग्रो कर रहा है तो जब ये सैंड ड्यून ग्रो कर दिया रेत तो नॉन लिविंग थी अब हम कैसे कहते कि जो ग्रोथ है वो भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि डिसाइड कर रहा है कि हाँ ये तो लिविंग ही है नहीं ना तो चलो जी इस ग्रोथ पे भी हम कंप्लीटली रुक नहीं सकते और आगे चलते हैं और क्या ऑब्जर्व करते हैं हम लिविंग थिंग्स में यहाँ पे आ रहा है दे कैन रिस्पॉन्ड टू तो चेंजेस अराउंड देम आसपास जो भी चेंजेस हो रही हैं उनसे हम रिस्पोंड करते हैं मतलब कि मान लो जब ठंड लग रही है तो हमें है ठंड लग रही है जब गर्मी आ जाती है तो गर्मी लग रही है तो बाहर कैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उसको देख के हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं है ना एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं का का मिठाई एग्जाम्पल का. मिठाई ले, ले, ले लिया जलेबी का बस गोल गोल तो बनाना होता है दिस इज द जलेबी है ना अब अगर मैं आपके सामने जलेबी रख दूं तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा जलेबी ना पसंद हो तो कोई अपना फेवरेट मिठाई ले लो लेकिन जब आप उसको देखोगे तो आपके साथ क्या होगा आप हो जाओगे हैप्पी और आपके मुंह में आने लग जाएगा पानी है ना तो मुंह में पानी आना क्या है जलेबी को देख के मुंह में जब आपके पानी आ रहा है इस जलेबी को देख के तो बेटा वो है आपका रिस्पॉन्स ठीक है और ये रिस्पॉन्स जलेबी के लिए आ रहा है तो ये जो जलेबी है ये उस टाइम पे कहलाएगी स्टीम्यूलस ठीक है बहुत लोगों ने इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि स्टिमुलस क्या होता है क्या होता है तो स्टिमुलस वो चीजें होती है जिनको देख के हम रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे कि अगर कोई आगे चूटी काट ले तो चूटी करके आप बोलोगे ना यार मत काटो दुख रहा है ना तो ये जो आपको दुखा, ये आपका था और जिसने चीटी काटी वो जो चीटी थी क्योंकि चीटी काटने पर दुख हुआ और दर्द हुआ तो वो जो चीटी है वो स्टिमुलस का, का काम करेगी ठीक है तो किसी भी स्टिमुलस के लिए लिविंग थिंग्स जो है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं क्लियर हाँ जी क्लियर ये वाला पॉइंट हम थोड़ा बहुत हाँ, देखने को मिलता है एंड वी कैन से ठीक है ये जो है ये आ, हम कंसिडर कर सकते हैं लिविंग के लिए बट इसमें भी कुछ चीजें हैं जो हंड्रेड परसेंट गारंटी नहीं करती अब बोल दिया कि भाई रिस्पॉन्ड करे तो क्या सिर्फ इसी के भरोसे रुक जाए नहीं ना और भी चीजें चलो आगे मुड़के देखते हैं क्या है इधर कह रहे हैं लिविंग थिंग्स रेस्पायर की जो लिविंग थिंग्स हैं वो रेस्पायर कर रहे हैं ठीक है मतलब कि वो सांस ले रहे हैं जैसे कि हम हैं हम सांस ले रहे हैं एक डॉग है वो सांस ले रहा है लेकिन कब हमें पता लग रहा है कि हम रेस्पायर कर रहे हैं और कब पता लग रहा है कि नहीं कर रहे हैं हमेशा ही पता लगता है ना हम हमेशा ही रेस्पायर कर रहे हैं लेकिन ह्यूमन और एनिमल्स में तो ये चीज हमें फिर भी दिख रही है बट प्लांट्स भी तो लिविंग है।, है वो भी लिविंग है पर क्या कभी आपने उनको रेस्पायर करते हुए देखा है उनको ब्रीदिंग करते हुए देखा है नहीं ना उधर तो नहीं दिख रहा ये फिर हम कैसे मान लें कि हाँ भाई ब्रीदिंग तो लिविंग थिंग्स का ही ये एक कैरेक्टर है ठीक है यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आ गया देन लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट मतलब कि ऑब्वियसली लिविंग थिंग्स जो है वो अपनी बॉडी से टाइम एंड अगेन चीजों को निकालते रहते हैं जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है एंड लास्टली हम कह रहे हैं जो लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब कि वो अपने से और ज्यादा जो है वो बना रहे हैं मतलब एक अगर कोई पेरेंट है तो उस पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे तो वो नंबर में ग्रो कर रहे हैं वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन वहीं पे अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में तो बोले कि मैम वो तो कहाँ ही कर रहे हैं लेकिन एक पत्थर है उस पत्थर को तुम तोड़ दो तो उसके तो टुकड़े हो गए ना तो उसी एक पत्थर से आपको चार टुकड़े मिले तो कहीं ना कहीं तो उसका भी नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हुआ है तो हम इसको भी पूरी तरीके से कंसिडर नहीं कर सकते कि भाई ये जो है ये भी पूरा का पूरा लिविंग थिंग को डिस्क्राइब कर रहा है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो लिविंग बींग से कंप्लीटली अलग बनाती है कुछ तो ऐसा होगा ना कि जो नॉन लिविंग थिंग से हम रिलेट ही ना कर पाए बिल्कुल है वो ना फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है फर्स्ट पॉइंट में क्या है मूव राइट right? तो ये जो मूव है बेसिकली जो मूवमेंट है बेटा वो ऐसी चीज है जिसे हम कंप्लीटली बोल सकते हैं कि ये है। लिविंग तो वो वो तो नॉन लिविंग है यस yes. उसके लिए मैंने टर्म यूज करा था कि विजिबल मूवमेंट विजिबल मूवमेंट कौन सी होती है द मूवमेंट्स द मूवमेंट्स दैट आर That that are visible to, that are visible visible to, to naked eyes, मतलब जो आप अपने आँखों से देख सकते हो जैसे लोगों का चलना लोगों का भागना है ना कुत्ते का भोंकना एंड uh, कपड़ों का हिलना तो ये सारी चीजें लिविंग नॉन लिविंग में दोनों में हमको दिख रही हैं, लेकिन जैसे कि हम मूवमेंट की बात कर रहे हैं हमें पता है कि हम खाना खा रहे हैं हम वो खाना खा रहे हैं हम खाना मुंह में लेते हैं वो 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 मुंह से में में जाता है, स्टमक में जाता है 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 स्टमक तो वो हमें पता है कि वो कैसे जा रहे हैं। लेकिन क्या आप देख सकते हैं नहीं ना प्लांट्स भी खाना खाते हैं प्लांट्स में भी पानी जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमें पता है लेकिन क्या आप वो देख सकते हैं नहीं ना इट इज नॉट विजिबल टू नेकेड आईज तो वो जो मूवमेंट्स है वो तो हो रही है तो वो कौन सी मूवमेंट है वो हो जाती है दूसरी टाइप की मूवमेंट जिसे हम सेल्युलर मूवमेंट भी कहते हैं और इसी सेल्यूलर मूवमेंट का दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर मूवमेंट तो हम कह सकते हैं दैट इट इज आल्सो कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मूवमेंट ये वर्ड बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए और इस मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि ये वो मूवमेंट है जो सेल्स में होती है ये वो मूवमेंट है जो सेल के लेवल पे हो रही है और ये हमारी बॉडी के अंदर हो रही है जिस वजह से प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर हो रहा है हमारे अंदर भी ये जो चीजें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं और यही वो सेल्युलर मूवमेंट है जो कि लिविंग बींग्स को कंप्लीटली अलग बनाती है नॉन लिविंग बींग्स से तो आप कह सकते हैं दैट सेल्युलर मूवमेंट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफ्रेंशिएट्स द लिविंग बींग्स फ्रॉम द नॉन लिविंग बींग्स क्लियर तो सेलुलर जो मूवमेंट है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो तीन स्टार मार्क करेंगे और ये वर्ड आपको याद होना चाहिए ठीक है बट एक चीज जो आपको भूलनी नहीं है वो ये है कि ये जो कैरेक्टर्स है ना ऐसा नहीं है कि इनको हम लिविंग में लिखे नहीं सकते हम बिल्कुल लिखेंगे इनको ये भी हमारे कैरेक्टर्स हैं बट अगर हम कोई मेन कैरेक्टर की बात करें जो ये बता सकता है कि भाई हम सच में लिविंग हैं वो है सेलुलर मूवमेंट्स अब जब हम मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं तो कोई भी चीज अगर मूव करेगी तो वो डैमेज भी होगी ना ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई गाड़ी है और वो गाड़ी चल रही है आप गाड़ी लेके आए आपने कुछ दिन यूज किया और कभी उसे सर्विस स्टेशन लेके ही नहीं गए तो वो गाड़ी खराब होगी ना गाड़ी को टाइम एंड अगेन आप सर्विसिंग के लिए लेके जाते हैं राइट क्यों ताकि आपकी गाड़ी जो है वो मस्त चलती रहे फिर तो लाइफ की गाड़ी का क्या लाइफ की गाड़ी भी तो सही से चलनी चाहिए ना तो यस लाइफ की गाड़ी को चलाने के लिए भी हमें टाइम एंड अगेन सर्विसिंग की नीड पड़ती है तो जब ये सवाल आए कि ये सेलुलर मूवमेंट ही क्यों हम चुन रहे हैं किसी चीज़ को लिविंग बताने के लिए तो वो इसलिए बेटा क्योंकि ये जो मॉलिकुलर मूवमेंट है ये इम्पोर्टेंट है लाइफ की मेंटेनेंस एंड रिपेयर के लिए ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ किसका रिपेयर करेंगे गाड़ी के पार्ट्स होते हैं ना वैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं ठीक है बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज तो टाइम एंड अगेन जब हमारी बॉडी का मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग हो रहा है तो हमारी लाइफ की गाड़ी जो है वो एकदम स्मूथ चलने वाली है और अल्टीमेटली हम हो जाएंगे सुपर डुपर हैप्पी राइट तो इसीलिए ये ये जो मूवमेंट है है क्योंकि सेलुलर लेवल पे ही ये सारी की सारी चीजें हो रही है क्लियर तो ये था कि नीड क्या है इस मॉलिकुलर मूवमेंट की और नीड से पता लग गया कि ये मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं तो बेटा वो प्रोसेसेस जो मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं हमारी बॉडी में जिसकी वजह से हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर पा रही है उन्हीं को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस सो बेसिक बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इस अर्थ पे उन्हीं को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं और इसमें बेसिक चार लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो हमें पढ़ना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्योंकि उन्हीं चार प्रोसेसेस की वजह से हमारे सारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली काम करते हैं तो वो क्या है वो स्टार्ट होते हैं न्यूट्रिशन से रेस्पिरेशन देन ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन तो ये चार आपस में लिंक्ड है आपको पता है ऐसा नहीं है कि ये अलग है वो अलग है ये अलग है वो अलग है तो जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की ये जो न्यूट्रिशन है ये बेसिकली फूड से रिलेटेड है खाने से रिलेटेड ठीक है खाना हम सबको पसंद है और नहीं भी पसंद है तो खाना तो पड़ेगा ना अदरवाइज एनर्जी नहीं रहेगी हम लेथार्जिक फील करेंगे हम बीमार हो जाएंगे तो खाना खाना है ठीक है तो खाना हम क्यों खा रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग एनर्जी नहीं रहेगी लेथार्जी हो जाएगी डिजीजेस होंगे और ये सारी चीजें क्यों होंगी क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो इम्पैक्ट हो रही है फूड की कमी से तो उस फूड में ऐसा क्या है सारी चीजें बताऊंगी फूड में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है तो न्यूट्रीशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं तो न्यूट्रीशन जो है ये बेसिकली वो तरीका होता है दैट इज टू ऑबटेन द फूड कि हम फूड कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं एंड इस फूड की यूटिलाइजेशन ऑब्टेन द फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन और कौन करेगा यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी तो बाय द बॉडी ठीक है और इससे क्या होगा इससे हमें बनानी है एनर्जी तो एनर्जी बनाने के लिए हमें आना पड़ेगा दूसरे वाले प्रोसेस पे तो यहाँ से जो हमने फूड लिया और इसको यूटिलाइज किया ठीक है ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो एब्जॉर्ब फूड है वो रेस्पिरेशन में काम आने वाला है तो इसमें क्या होगा कि एब्जॉर्ब फूड मिलता है ऑक्सीजन से रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि हम एक और काम करते हैं ब्रीदिंग ब्रीदिंग से हमने ऑक्सीजन लिया खाने से हमें

तो अब जब हमारे सारे बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी ठीक है एनर्जी मिलने के बाद ऑब्वियसली थोड़ा बहुत वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो भी हमारी बॉडी में बनने वाला है तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट बना है वो कहां जाएगा राइट तो एनर्जी बनने के बाद ये क्या करने वाला है ये करेगा एनर्जी सप्लाई एनर्जी सप्लाई के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीशन की प्रोसेस से हमारी बॉडी से निकाल दिया जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये वो प्रोसेस है जिसमें रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल हो रहा है कहाँ से होगा फ्रॉम द बॉडी ठीक है बॉडी किसकी हमारी प्लांट्स की या फिर अलग अलग ऑर्गेनिज्म की तो ये है बेसिक डेफिनेशन इन चार लाइफ प्रोसेसेस का और इन्हीं चीजों को हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो आई वॉन्ट कि आप सारे के सारे जो वीडियो हैं वो ध्यान से देखें ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या क्या चीजें हैं अगर कुछ भी मिस हुआ ना बेटा तो फिर काफी सारा लॉस हो सकता है एंड हम नहीं चाहते कि आप कोई भी लॉस जो है वो ब्योर करें तो प्लीज स्टे ट्यून टिल द एंड एंड लर्न वट एवर वी आर हेल्पिंग यू टू नो एंड अगर आपको लगता है कि हमने कुछ चीजें मिस करी तो आप बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन में नीचे मैंशन कर सकते हैं ठीक है तो ये थी लाइफ की चार बेसिक प्रोसेसेस जो कि लाइफ की गाड़ी चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है और आज हम थोड़ा सा और जान लेते हैं लाइफ में जो ये न्यूट्रीशन है इसके बारे में ठीक है तो जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की तो न्यूट्रिशन जैसे हमें पता है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हमने खाना लिया और उस खाने को यूज किया एनर्जी बनाने के लिए ठीक है उसकी यूटिलाइजेशन तो जब फूड की हम बात करते हैं तो मैंने आपको कहा था ना कि फूड में कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उन कंपोनेंट्स को बेसिकली हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स और हमारी बॉडी में सात मेजर टाइप की न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रेजेंट है ठीक है तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनमें सात है जिसमें सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोटीन और ये प्रोटीन्स बताए क्या है ये है मसल बिल्डिंग के लिए सो प्रोटीन्स आर बेसिकली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आर बॉडी ये है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी ठीक है और ये हमें कहाँ से मिलने वाले हैं अगर फूड का एग्जांपल लें हम तो ये हमें काफी ज्यादा मिल जाएगा सोयाबीन से ठीक है सोयाबीन इज द गुड एग्जाम्पल गुड सोर्स फॉर दिस मिल्क में भी प्रोटीन होता है इसके अलावा अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो एग देन मीट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे आपको काफ़ी हद तक अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा जिससे आपकी मसल बिल्डिंग जो है वो हो जाएगी देन अगर हम बात करें दूसरी चीज की तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स तो आजकल कल काफी लोगों को जिम का शौक चढ़ा हुआ है ना आप में से भी काफी लोग जिम जाते होंगे तो हम क्या सोचते हैं कि यार यारोटीन्स तो चाहिए कि मसल बनाने हैं है ना बिल्डिंग ब्लॉक्स को अगर हम कह रहे हैं तो बिल्डिंग ब्लॉक्स किस टर्म में क्योंकि ये मसल बनाने में हेल्प करते हैं ठीक है थीके? मसल बिल्डिंग में प्रोटीन्स जो है वो हमारी हेल्प करते हैं ये तो क्लियर है तो हम क्या करते हैं कि यार हम ज्यादातर खाना खाते हैं प्रोटीन्स वाला लेकिन हमने ये भी देखा है कि बहुत लोग जो जिम कर रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स अपने खाने में बिल्कुल कम कर देते हैं कि नहीं मैं काब्स नहीं लूंगा मैं मोटा हो जाऊंगा या मैं मोटी हो जाऊंगी बट बेटा डू इवन नो दैट कार्बोहाइड्रेट्स कितने बेनिफिशियल है हमारे लिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत सारा खाओ खाओ लिमिट में लेकिन खाओ जरूर क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये इंस्टेंट एनर्जी के लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो खाने में कार्बोहाइड्रेट्स को जरूर शामिल करें तो कौन सा खाना शामिल करें मैम राइस रखिए खाने में ठीक है इसके अलावा वीट जो है गेहूं उसमें भी काफी अच्छा खासा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है ब्रेड हो गया उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है ये सारी चीजें खानी चाहिए बट ऑब्वियसली हर चीज का बैलेंस होना चाहिए ये भी नहीं भूलना चाहिए ठीक है तो ये हो गई दो न्यूट्रिय अब तीसरा है हमारे पास यहाँ पे जिसको हम कह रहे हैं फैट्स तो ये फैट्स क्या कर रहे हैं मैम फैट तो बिल्कुल खराब होते हैं ये तो कतई नहीं खाने चाहिए खाना चाहिए बेटा क्योंकि जो फैट्स है ना ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमारी बॉडी में फैट्स हैं तो ये फैट पहली बात तो इंसुलेशन का काम करेंगी हमारी बॉडी को जो भी बाहर टेम्परेचर चेंजेस हो रहे हैं उसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है और उससे भी बढ़कर अगर इसका कोई फंक्शन बोलूं तो वो है कि ये स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी रखता है ठीक है इसमें एनर्जी स्टोर्ड रहती है जो कि किसी ऐसे टाइम पर जब हमारे पास खाना अवेलेबल नहीं है तो तब एनर्जी देने का काम करती हैं और ये आपको बेसिकली उन खाने की चीजों से मिलेगा जो कि ऑयल बेस्ड है जैसे कि घी हो गया ठीक है बटर हो गया एंड uh, जो हमारे पास नट्स uh, होते हैं जैसे पीनट हो गया आलमंड हो गया uh, काजू बादाम सब कुछ इसी में फैट्स uh, जो है अच्छे खासे अमाउंट में मिल जाते हैं देन मूविंग अहेड टू द फोर्थ वन दैट इज वाइट हमारे पास अलग अलग तरीके के वाइटमिन हमारे पास तेरह तरीके के वाइटमिन होते हैं जिसमें से वाइटमिन ए बी सी डी ई एंड के ये जो हमारे पास छ वाइटमिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बचे हुए वाइटमिन वो बी के ही टाइप्स हैं हमारे पास ठीक है तो वाइटामिन ए अगर कम हुआ हमारी बॉडी में तो रात में दिखना बंद हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाएगी वाइटामिन के अगर है कम हमारी बॉडी में तो जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है वो आ सकती है ठीक है और बाकी जो चार बज गए वो आप हमें बताने वाले हैं कि क्या क्या है तो हर एक विटामिन के लिए अपना अलग अलग फूड है जैसे वाइटमिन ए जो है ये अगर आपको चाहिए तो आप पालक खाइए स्पिनच खाइए गाजर खाइए वाइटामिन बी के लिए भी हमारे पास काफी सारे फूड है सी के लिए हमारे पास सिट्रस वाले फूड्स होते हैं सी से सिट्रस याद रखना नींबू हो गया जो ऑरेंजेस होते हैं वो हो गया ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जब हम वाइटामिन सी की बात कर रहे हैं डी के लिए तो सबसे बेस्ट सोर्स है हमारे पास सन ठीक है देन के के लिए हमारे पास अगेन बीट रूट आ जाता है हैपोमोग्रेनेट आ जाता है तो जितने भी फूड्स है ना हमारे पास हर एक फूड आइटम की अपनी एक वैल्यू है ठीक है एक से ज्यादा भी वैल्यूज है तो बिल्कुल अपने डाइट में हर एक चीज शामिल करिए ठीक है तो ये था वाइटमिन के बारे में देन मिनरल्स हमारे पास अलग अलग तरीके के होते हैं जैसे आयन हो गया है ना कैल्शियम हो गया ये जो मिनरल्स हैं ये होते हैं ठीक है और इनका भी अपना अपना रोल है कैल्शियम किसके लिए इंपॉर्टेंट है मजबूत दांतों के लिए मजबूत हड्डी के लिए अगर कैल्शियम की कमी होगी ना तो बस फिर कुछ ही टाइम में ना घुटने जवाब दे जाएंगे दुखने लग जाएंगी जोड़ों का दर्द पैदा हो जाएगा नहीं चाहिए ना तो चुपचाप वो खाना खाओ जिसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में हो कैल्शियम को तो पता लग गया मैम ये आयरन क्या है अब ये जो आयरन है ना ये खून के लिए इंपॉर्टेंट है ब्लड फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है तो वो खाना खाइए जिसमें आयन भी हो Then, रफेज।, रफेज को हम दूसरी नाम से भी जानते हैं जिसे हम कहते हैं फाइबर्स तो फाइबर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और फाइबर्स की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं तो फाइबर्स इंपॉर्टेंट है बेटा बाविल मूवमेंट के लिए पेट में जो खाना है ना अपना वो जो एक पार्ट से नेक्स्ट पार्ट में जाता है वो उस मूवमेंट को हम बावल मूवमेंट कहते हैं और ये खाने से होता है अब फाइबर्स क्या होते हैं मैम और क्या मतलब है इसका तो फाइबर्स के लिए अगर बेस्ट एग्जाम्पल दू ना तो जूस का एग्जाम्पल देती हूँ हम क्या करते हैं हम ठेले पे जाते हैं या फिर हम घर में भी अगर जूस बना रहे हैं तो मौसमी ली मौसमी को एकदम से क्रश कर दिया उसका जूस हद तक निकाल दिया और जो बचे हुए रेशे हैं वो हम फेंक देते हैं आजकल यही कर रहे हैं ना हम सब लोग हम इतने ज्यादा एडवांस हो गए कि हम जूस पियेंगे जूस पीना खराब नहीं है जूस तो बहुत हेल्दी है हमारे लिए लेकिन उस जूस को बनाते हुए जो बाकी बचा हुआ पार्ट हम फेंक देते हैं ना वो फाइबर वाला कंटेंट है और जब वो हमारी बॉडी में नहीं है ना तो कब्ज होती है कॉन्स्टिपेशन होता है हमें तो नहीं चाहिए ना तो नहीं चाहिए तो प्लीज कच्ची सब्जियां जो हैं, वो है वो खाइए अब कच्ची का ये मतलब नहीं है कि सब कुछ खा लिया है ना जैसे है अपने डाइट में शामिल करिए गाजर करिए जो फ्रूट्स हैं उनको खुद से बस काट के खाइए इंस्टेड ऑफ मेकिंग जूस आउट ऑफ इट हर चीज का जूस मत बनाओ कभी कभार जूस इज फाइन बट अगर आपके दांत मजबूत है ना तो दांतों का इस्तेमाल करो अच्छे से ठीक है और अच्छे से फाइबर लोडेड फूड जो है वो अपनी बॉडी को दीजिए तो जब बॉडी की बात आ रही है तो वाटर कैसे पीछे रहेगा हमें पता है 70% 70 से 75% जो है हमारी बॉडी वाटर से बनी हुई है तो वाटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हो जाता है हमारी बॉडी के लिए जो कि हमें सारी की सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड करने वाला है ठीक है तो so, न्यूट्रिशन में बेसिकली हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं और ये सात न्यूट्रिएंट जो हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं को लेने के बाद तो हमारी बॉडी एकदम सुपर डुपर हेल्दी हो जाएगी राइट तो यस दिस इज द थिंग एंड आई टॉकिंग कि ऐसा नहीं है कि एक चीज ज्यादा लेंगे एक चीज कम लेंगे हर चीज बैलेंस होनी चाहिए तो जिस खाने में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बैलेंस्ड हैं तो उस फूड को हम कहते हैं बैलेंस्ड फूड एंड वो चीज़ बिल्कुल हर किसी को लेनी चाहिए ठीक है तो आई गेस बहुत सारा हमने एक्सप्लेन कर लिया यहाँ पे राइट तो ये आप सब ध्यान से देख लीजिए ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अब तो पता होना चाहिए है ना अब अगर नहीं पता था तो आई होप दैट अब पता लग गया होगा कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं तब तक के लिए चलते हैं हम आगे और देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स के टाइप क्या-क्या हैं सॉरी नॉट न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशन के क्या-क्या टाइप्स हैं तो न्यूट्रिशन के बच्चे दो टाइप्स होते हैं ठीक है तो हम कह देते हैं कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है हमारे पास मतलब कि हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं जिससे हम फूड ले सकते हैं बेस्ड ऑन दिस हमने इसको दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है दैट इज ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोफिक अब हम कहते हैं क्या करने वाले हैं अब हम शुरू करने वाले हैं तोड़ने फोड़ने का काम क्या तोड़ने फोड़ने का काम अब देखो यहाँ पे ये यह क्या है वर्ड हमारे पास ऑटोट्रोफिक है ना यहाँ लिख देते हैं चलो यहाँ लिखते हैं हम ऑटोट्रोफिक लिख दिया बड़ा सुंदर लग रहा है मैम है ना अब क्या करना है इसको तोड़ देते हैं तोड़ेंगे कहां से यहां से मतलब तोड़ के हमने दो वर्ड बना दिए ऑटो एंड ट्रोफिक ऑटो तो है ऑटो का, मतलब का मतलब होता है सेल्फ मतलब कि खुद से। सेल्फ मतलब खुद से ठीक है अब खुद से क्या कर रहे हैं तो यहां पे आता है दूसरा वर्ड दैट इज ट्रोफिक जो कि ट्रोफोज नाम के एक शब्द से डिराइव किया गया है और ट्रोफोज का मतलब होता है नरिशमेंट मतलब कि खुद का भरण पोषण ठीक है तो देखो जी खुद से नरिशमेंट का मतलब होता है भरण पोषण तो खुद से अपना भरण पोषण कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म और इनका इनको हम बेसिकली ऑटोट्रोफ्स नाम से जानते हैं वहीं पे अगर हम दूसरा वर्ड भी ले लेते हैं अब ठीक है हेटरो को क्यों छोड़ दें तो यहाँ पे हम लेंगे दूसरा वर्ड जिसको हम कह रहे हैं हेटे वापस से इसको तोड़ेंगे कहा से 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 हेट्रो से एक वर्ड मिलेगा ट्रोफिक से दूसरा मिलेगा ट्रोफिक वाला मतलब हमें ऑलरेडी क्लियर हो गया है मतलब कि नरिशमेंट होता है हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट ये जो हेट्रो वर्ड है ना आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा जब हम हेट्रोजीनियस सोल्यूशन की बात करते हैं जब हम होमोजिनस सोल्यूशन की बात करते हैं राइट तो हमने ना दिमाग नहीं लगाना रटना नहीं है कुछ भी हमने बस चीजों को समझना है ठीक है हेटरो का मतलब पता लग गया कि डिफरेंट होता है तो हेट्रो ट्रोफिक होगा मतलब कि वो टाइप जिसमें कि लोग अलग अलग तरीके से नरिशमेंट डिराइव करने वाले हैं हेट्रो जिनस मिक्सचर आ गया मतलब कि वो मिक्सचर जो अलग अलग चीजों से बना हुआ है ठीक है तो जब हेटरो का मतलब पता लग गया तो जहां हेटरो दिख जाए जिस वर्ड में उस वर्ड से हम इजीली पूरा का पूरा मतलब जो है वो निचोड़ सकते हैं ठीक है सो दिस इज हाउ हम चीजों को समझते हैं और समझने के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो ये बात हो गई अपनी ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में ठीक है यहां पे भी मैंने न्यूट्रिशन लिख दिया सो दैट्स आपको क्लियर हो जाए तो ये जो दो टाइप्स है ये है हमारे पास मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में और इनको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं उससे पहले इन दोनों को थोड़ा देख लेते हैं कि क्या इनके भी टाइप्स हैं बिल्कुल है तो जब हम बात करते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की मतलब तो हमको पता है जब मतलब पता है तो हम सेंटेंस खुद लिख सकते हैं मैम है ना तो देखो क्या सेंटेंस बनाया हमने सो so, हमने लिखा है कि ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खुद का खाना बना रहा है अब खाना बनाने के लिए आटा दाल चावल सब्जी तो चाहिए तो वो हमें चाहिए ठीक है बट वो सब्जी कौन बना रहा है है ना तो सब्जी के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा ना तो जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वाले होते हैं अपना खुद का खाना बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से और वो कौन से मटेरियल्स हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो कि प्रेजेंट है हमारे ही सराउंडिंग्स में क्लियर सिंपल है ना मतलब पता लग गया सेंटेंस अब हम खुद बना लेंगे ठीक है जी तो ये हो रहा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में दो तरीके की चीजें प्रेजेंट होती है हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि बेसिकली फूड है ये बनाया जाता है इन ऑर्गेनिक मटेरियल से जो कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है मतलब कि वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था और इन दोनों को यूज करेंगे हम खाना बनाने के लिए तो खाना बनाने के लिए ये किसे यूज करेंगे यूज करेंगे ये सनलाइट की एनर्जी ठीक है तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद का खाना बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड वॉटर और सनलाइट को यूज करके ये है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन जो अब तक हमें समझ आई है ये सब पढ़ने से अब इसमें भी ना दो टाइप्स होते हैं ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के भी दो टाइप्स होते हैं फोटो ऑटोट्रोफिक एंड कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन ठीक है और जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं ऑटो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल में हमारे पास सारे तो तो बनाई थी इस्तेमाल कर लेते हैं खाना खाने के लिए स्मार्ट है ना तो क्योंकि हम उनका खाना खा रहे हैं तो हम कौन से होंगे ऑटोट्रोफिक वाले या हेड्रोट्रॉफिक बताओ जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में ठीक है तो ग्रीन प्लांट्स है कुछ बैक्टेरिया भी इसी के एग्जाम्पल है अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ये फोटो ऑटोट्रोफिक एंड कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में अगेन जैसे हमने पहले ऑटोट्रोफिक को तोड़ा था वैसे ही अगर हम फोटो ऑटो न्यूट्रिशन को देखें तो इसको तोड़ के अगेन हम तीन पार्ट्स बना सकते हैं कितना तोड़ फोड़ करते हैं मैम बायो में बहुत करते हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली तोड़ने से हमें चीजों का मतलब क्लियर हो जाता है तो फोटो ऑटो एंड ट्रोफिक तो ऑटोट्रोफिक का मतलब आपको खुद से पता है कि ये सेल्फ नरिशमेंट होना है यहां पे फोटो ये ना वो फोटो नहीं है जो हम जाके क्लिक करवाते हैं ये फोटो बेसिकली इसका मतलब होता है लाइट ठीक है ये है लाइट और कौन सा लाइट नैचुरल लाइट तो नेचुरल लाइट हमको किससे मिलती है सन से मिलती है है ना तो फोटो स्टैंड फॉर लाइट और लाइट में भी नेचुरल सोर्स हमारे पास है सन लाइट तो अब देखो जी सेल्फ नरिशमेंट पता था सनलाइट आ गया तो यहां कौन आ जाएगा इसको कैसे डिफाइन करेंगे अब इसको डिफाइन करेंगे ऐसे कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिजम्स आर मेकिंग देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग सनलाइट आर दी इज दोटो ऑटोड्रोफिक न्यूट्रिशन क्लियर बहुत सिंपल है है ना अब एक और चीज देखो अगले का भी ना ऐसे ही मतलब जानेंगे और डेफिनेशन आप बताएंगे हमें तो मैंने क्या किया मैंने इस फोटो को यहाँ से हटा दिया और इस फोटो की जगह मैं लिख रही हूं कीमो ठीक है कीमो लिख दिया अब बताओ कीमो का क्या मतलब है कीमो जो है कीमो का मतलब होता है केमिकल्स ठीक है तो यहां पे क्या होगा अब वापस से जो हमारी डेफिनेशन थी उसमें सनलाइट की जगह केमिकल्स को रिप्लेस कर देंगे केमिकल्स कौन से होंगे जो इनऑर्गेनिक चीजें हमारे आसपास प्रेजेंट है जैसे कि आयन हो गया या फिर सॉइल में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं उनको यूज करके जो बैक्टीरियाज होते हैं वो यूजली खाना बनाते हैं तो इसमें ज्यादातर एग्जाम्पल जो है कीमो ऑटोट्रॉफिक में बैक्टीरियाज जो है वो आएंगे और फोटो ऑटोट्रॉफिक में प्लांट्स जो है वो इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल रहेंगे क्लियर तो ये थी बेटा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में कुछ जानकारी और आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे क्योंकि काफ़ी सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप ये सारी की सारी चीजें रिवाइज करें स्टार्टिंग से देखें कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं और हम कैसे कैसे अलग अलग प्रोसेसेस की बात करते हैं और आज उन्हीं प्रोसेसेस में से हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया जिसमें से हमने ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है वो ले ली है और आगे आने वाले लेसन में हम बाकी टाइप्स भी जो है वो पढ़ने वाले हैं तो अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हो तो आप बिल्कुल से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं सारी चीजों के बारे में एंड हम देखने वाले उन चीजों को तब तक के लिए आई वांट यू ऑल की अगर आपको ये सारे के सारे नोट्स चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा स्कोर प्लस एप राइट right? ये प्लस ऐप आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे जहाँ से ये डाउनलोड करने के बाद आप जो भी आज के नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपकी पढ़ाई में एक एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाए जिससे कि आप प्लस इजीली कर पाए ठीक है जी तो विद दिस आई एम एंडिंग द सेशन हियर विद अ नोट दैट ऑल ऑफ यू विल स्टे हैप्पी हेल्दी एंड सेफ तो जल्दी हम दोबारा मिलेंगे टिल देन स्टे ट्यून्ड बाय बाय